इस क्लास में, पिछले क्लास में हमने फ्लूट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कवर कर लिया है। जैसे हमने कवर किया है डेंसिटी के बारे में, स्पेसिफिक वेट के बारे में हमने कवर किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में हमने कवर किया, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने देखा, देन एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने देखा था इसके पिछले क्लास में, विस्कोसिटी के बारे में। आज फ्लूड में फ्लूड प्रॉपर्टी का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो हम सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी दोनों को हम देखेंगे, क्लियर है। ये जैसे विस्कोसिटी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी भी इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो देखिए, हम आज एक नए प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन, फ्लूड की एक नई प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सरफेस टेंशन स्टार्ट करने के पहले दो जो बेसिक जो फोर्स होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो दोनों फोर्स यहाँ पे यूज आने वाले हैं सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कोहेसन फोर्स। कौन सा फोर्स? कोहेसन फोर्स। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। ये क्या होता है, इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। तो ये है हमारा कोहेसन फोर्स। कोहेसन फोर्स मतलब क्या, अगर मैं वाटर बॉडी ले रहा हूँ या वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर के पार्टिकल एक दूसरे को कितना अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा कोहेसन फोर्स। अगर वही वाटर पार्टिकल अगर मैं ग्लास में रखा हूँ, तो ग्लास क्या हमारा हो गया, सॉलिड। वाटर क्या हमारा हो गया, लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस, यानी ग्लास और वाटर के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे का जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडहेशन फोर्स। तो उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो दूसरा हमारा जो मेन फोर्स है वो एडहेशन फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, इट इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल एट द इंटरफेस। मतलब कि जब हम एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास में हमने वाटर को पोर किया हुआ है, तो अगर हम कोहेसन फोर्स का बात करें, तो कोहेसन फोर्स मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा एक, दूसरा यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। ये जो दूसरे इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा हो जाएगा क्या, कोहेसन फोर्स। जबकि एडहेशन फोर्स क्या हो जाएगा, ये सपोज करिए ये ग्लास है और ये पार्टिकल जो फ्लूड हमने लिया है वो वाटर है, तो यहाँ पे ये जो वाटर और ग्लास का ये जो कांटेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये वाटर का पार्टिकल है और यहाँ पे ये ब्लैक से मैंने ग्लास के पार्टिकल को लिखा है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ, मान लेते हैं ये ग्लास का पार्टिकल है और ये हमारा वाटर का पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडहेशन फोर्स हो जाएगा। यही दो फोर्स का यूज हम सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी में करने वाले हैं। तो होप आपको ये जो दोनों फोर्स हैं वो क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे अपने जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इसका, सरफेस टेंशन, इसको डिस्कस करते हैं, क्लियर है। तो देखिए, सरफेस टेंशन के डेफिनेशन से जाने से पहले ये जो डायग्राम बनाया गया है इसको हम समझते हैं, जिससे हम इजिली उस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर रखा हुआ है,
ये फ्री सरफेस है, यानी फ्री सरफेस मतलब क्या है कि अगर मैं इसको कोई भी लिक्विड अगर कंसिडर करता हूँ तो इसके ऊपर ये लास्ट बाउंड्री है, ये लास्ट बाउंड्री है इस पर्टिकुलर लिक्विड का, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, या तो एयर है या कोई और गैस है। तो इस तो जब जो दो वाटर और लिक्विड के इंटरफेस जहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। फ्री सरफेस क्या हुआ कि अगर कोई भी लिक्विड है, जैसे तालाब है, तो तालाब का सबसे टॉप लेयर होता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, सराउंडिंग एयर से एयर आ जाता है। तो जो तालाब में जो पानी का जो सबसे टॉप लेयर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री सरफेस। क्लियर है? जैसे वाटर, अगर मान लीजिए हम ग्लास में ही वाटर रख देंगे तो जो ग्लास का वो वाटर ग्लास में वाटर का सबसे जो टॉप लेयर होगा एयर के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्री सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है ये फ्री सरफेस। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया कोहेसिव फोर्स के कारण। तो अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, अगर लिक्विड है तो लिक्विड है तो उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया है ए पर, एक मॉलिक्यूल्स लिया है पॉइंट बी पे, दूसरा सी पे और दूसरा डी पे। अब देखिए क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल ए और बी हैं ये क्या हैं, सब तरफ से सराउंडेड हैं मॉलिक्यूल्स से। तो इसमें क्या होगा, ये जो एरो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक्चुअली इसके सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक कोहेसन फोर्स लग रहा है। इस कोहेसन फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इसके टॉप में चले जाओ, इसके बॉटम में चले जाओ, इसके लेफ्ट में चले जाओ और इसके राइट में चले जाओ, आप ये देखोगे कि सब तरफ जो मॉलिक्यूल्स वन है और मॉलिक्यूल्स बी है दोनों के ऊपर सभी डायरेक्शन में, या तो आप टॉप का बात करो, बॉटम का बात करो, लेफ्ट का बात करो, राइट का बात करो, सब तरफ इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इक्वल लग रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स ए एंड बी विल बी जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जितना बॉटम में लग रहा है उतना ही टॉप में लग रहा है, जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लग रहा है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ए और बी जो कि सब तरीके से फ्लूड में पूरी तरीके से सराउंडेड हैं मॉलिक्यूल ए एंड बी, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई थिंक आपको केस वन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो फ्री सरफेस पे अवेलेबल हैं। तो फ्री सरफेस पे यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ डायग्राम में ये मॉलिक्यूल सी और मॉलिक्यूल डी। अब आप ये बताइए कि ये जो सी है और ये डी है, तो अब अगर हम इसका डिस्कशन करेंगे तो देखिए इसके टॉप पे गैस रहता है, गैस में कोहेसन और एडहेशन फोर्स नेग्लिजिबल रहता है। मतलब इसके टॉप में अगर हम बात करें तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है कोहेसन का। इसके बॉटम में देखें तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल सी पे, कोहेसन फोर्स मतलब इसके सराउंडिंग में ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इसको क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल सी पे एक रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसन फोर्स का लग रहा है। वही सेम केस डी के साथ भी लग रहा है क्योंकि टॉप में गैस है और गैस में कोहेसन फोर्स होता नहीं है, तो वो इसको टॉप के डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, रिजल्टेंट जीरो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है कोहेसन के कारण। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया सेकेंड, रिजल्टेंट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी एन डी विल बी टेंसाइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हम बोल सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, वह ए और बी पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ए और बी जो हैं वो
जो हमारा वाटर बॉडी है उसके कहीं भी पार्ट में, मतलब हर सभी तरह हर सब तरफ से वो सराउंडेड है मॉलिक्यूल से। इसलिए क्या हो रहा है कि इक्वल सभी डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स मॉलिक्यूल ए और बी पे क्या हो जा रहा है, हमारा जीरो हो रहे हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सी और डी हैं ये हमारे फ्री सरफेस, फ्री सरफेस मतलब क्या, जो हमारा लिक्विड रहेगा उसके टॉप लेयर पे मॉलिक्यूल्स अब यहीं पे नहीं रहेंगे, यहाँ भी यहाँ भी मॉलिक्यूल्स होगा उसके साथ भी सेम होगा, यहाँ भी ये जो ऐसे मॉलिक्यूल होगा उनका भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ भी अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका भी रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसन फोर्स लगेगा। इसके कारण आप क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ और सपोज करो ये वाटर में हमने लिक्विड रखा हुआ है, और तो यहाँ पे अगर ये वाटर बॉडी में यहाँ पे ये लिक्विड होगा बीच में, तो अभी हमने देखा कि वो सेम पॉइंट ए के जैसा है, मतलब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी होगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसका ध्यान से अगर मैं सरफेस को देखूँ तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से तना हुआ दिखाई देगा, मेम्ब्रेन की तरह खींचा हुआ, नीचे की तरफ खींचा हुआ, एक एक टेंसाइल फोर्स लगेगा इसके जो फ्री सरफेस रहेगा। तो इसीलिए ये जो फ्री सरफेस रहता है आप हमेशा देखोगे कि वो समतल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो कॉनकेव शेप में इस तरीके से रहता है, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। या लेंस के हेल्प से भी उसको अच्छे से विजुअलाइज किया जा सकता है कि वो बराबर नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं एक कर्व के फॉर्म में रहता है। ये कर्व के फॉर्म में किस लिए होता है, क्योंकि ये जो फ्री सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को इनके जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन वो कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण एक टेंसाइल स्ट्रेस इनके में जनरेट हो रहा है ये फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स से, जिसके कारण ये क्या हो रहे हैं कुछ इस तरीके का शेप ले लेंगे। बहुत ही हल्का सा इनमें कर्व होगा, लेकिन कर्व अवेलेबल रहेगा, ऐसे समतल ना होके थोड़ा कर्व के फॉर्म में रहेंगे। तो यही जो टेंसाइल फोर्स जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, और इस डायग्राम को आप पहले बना लीजिए, ठीक है। मैं ये जो एक्स्ट्रा जो है इसको मिटा देता हूँ, आप प्लीज़ इसको बना लीजिए पहले, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स, इट इज़ डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स, मतलब क्या, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ गैस, मतलब कि यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि फ्री सर्फेस, गैस और लिक्विड दोनों के कॉन्टेक्ट सर्फेस है वहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स लगा रहा है। अभी हमने दिखाया था ब्लैक से एक टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर ये है यहाँ पे हमारा ये लिक्विड इस तरह से फील है, यहाँ पे मान लीजिए एयर है, गैस है, ये लिक्विड है, तो ये जो टॉप लेयर है वो इस तरीके से एक टेंसाइल फोर्स, इस तरीके से एक कर्व के फॉर्म में, टेंसाइल फोर्स के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट ऑफ गैस सच दैट द कॉन्टेक्ट सरफेस बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर द टेंशन, मतलब वो क्या हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो वो ये क्या कर रहा है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। अगर उस पर जैसे आप देखे होंगे कि इसका एग्जाम्पल कि हम बोलते हैं कि जो हमारी नाली होती है अर्बन एरिया या ये गांव के एरिया में भी, तो बोलते हैं कि मच्छर ना पनपे उसके लिए आप क्या करो, किरोसिन तेल का छिड़काव कर दो। उससे क्या होता है, देखिए जो मच्छर के जो एग होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं, जो पानी के ऊपरी सतह पे तैर सकते हैं। तो जैसे ही हम तो यहाँ पे पानी के सरफेस, मतलब क्या, वहाँ उसमें सरफेस टेंशन है एक मेम्ब्रेन की तरह है, टेंसाइल फोर्स के कारण एक मेम्ब्रेन की तरह है, एक परत हुआ है। जैसे ही हम इसमें किरोसिन तेल डालते हैं तो उसका ये जो सरफेस टेंशन वाला पोर्शन रहता है, या ये बोल सकते हैं यहाँ पे किरोसिन तेल आ गया, किरोसिन तेल आने से क्या हो जाएगा, इसका ये जो कोहेसिव फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था, जो उसको बैलेंस किया हुआ था, उसको वो डिसबैलेंस कर देता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो जो मच्छर के अंडे होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इस कारण ऑब्वियसली उनकी क्या हो जाएगी, फिर आगे संख्या नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो नाली होता है जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ पर बोला जाता है कि आप किरोसिन तेल का छिड़काव कर दो,
तो अल्टीमेटली क्या होता है, उस पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है या पानी का सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, तो जो एग रहते हैं मच्छर के वो डूब जाते हैं और उनकी प्रजाति आगे नहीं हो पाती है। दूसरा चीज़ आपने ये भी सुना होगा कि जैसे बोलते हैं कि अगर पानी को गर्म करो और उस गर्म पानी में अगर हम कपड़े को वॉश करते हैं तो वो ज़्यादा इजी तरीके से साफ हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जैसे ही हम वाटर को हीटअप करते हैं तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, हमने देखा है जब हम लोग विस्कोसिटी पढ़े थे कि जैसे ही हम वाटर को गर्म करते हैं तो उसके में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, विस्कोसिटी भी रिड्यूस होता है। तो कोहेसिव फोर्स रिड्यूस हुआ मतलब सरफेस टेंशन भी कम हो गया, और सरफेस टेंशन कम हो गया इसलिए हमारे कपड़े इजीली वॉश हो जाते हैं। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस सरफेस टेंशन का। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका डेफिनेशन का, क्योंकि डेफिनेशन हमने बाद में क्यों देखा, क्योंकि जब हम इस चीज़ को समझ लिए तब आप डेफिनेशन में आने में ज़्यादा इजी होगा। तो एक बार मैं और डेफिनेशन को रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज कौन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स लग रहा है कोहेसिव फोर्स के कारण, तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, गैस और लिक्विड के इंटरफेस पे लग रहा है, जिसको हम फ्री सरफेस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो टेंसाइल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ द सच दैट, कि ये जो टॉप लेयर है या हम बोल सकते हैं फ्री सरफेस है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? और सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो हमने सरफेस टेंशन को किसे डिनोट किया है, सिग्मा से। तो हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या आ रहा था, टोटल जो फ्री सरफेस पे फोर्स लग रहा था, तो हम सिग्मा को ये बोल सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू टोटल फोर्स जो फ्री सरफेस में लग रहा है प्लस फ्री सरफेस का लेंथ कितना है, फ्री सरफेस का लेंथ कितना है। तो यानी हमारा सिग्मा को हम किस में डिनोट करते हैं, न्यूटन पर मीटर। यानी फ्री सरफेस के ऊपर कोहेसन के कारण कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू। तो अगर हमें कोहेसन फोर्स पता रहेगा तो हमारा एफ की वैल्यू पता हो जाएगा, प्लस फ्री सरफेस का लेंथ कितना है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस टेंशन सिग्मा मिल जाएगा। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन, और लेंथ जो है उसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो एसआई यूनिट सरफेस टेंशन का, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया सरफेस टेंशन। अब देखिए, ये जो सरफेस टेंशन होता है वो अलग अलग, जैसे आपने सॉप का बबल देखा होगा या लिक्विड का ड्रॉपलेट देखा होगा, तो उसके ऊपर ये जो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन क्या लगती है, वो अलग अलग वैल्यू होती है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहला जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा ये एक लिक्विड है। क्लियर है? अब ये जो लिक्विड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर में भी क्या रहेगा, एक प्रेशर लगेगा, इंटरनल प्रेशर जो लगेगा इस लिक्विड को अपने जो भी शेप होता है उसको मेंटेन करने में, उसको मैं बोलता हूँ मान लीजिए इंटरनल PI प्रेशर लग रहा है। बाहर में सराउंडिंग एयर है तो वो लोग भी क्या करेंगे, इसको ये जो रहेगा लिक्विड रहेगा जो PI प्रेशर लगेगा, इस जेट को इंक्रीज करने का, इसका डायमीटर को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। लेकिन इसके सराउंडिंग में जो एयर रहेगा उसको मान लो मैं पी नॉट दे रहा हूँ, तो ये इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, PI माइनस पी नॉट, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए इसको अगर, और एक चीज़ और याद रखिएगा, PI क्या लग रहा है, PI इसके डायमीटर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है।
पी नॉट क्या कर रहा है, उसके डायमीटर को, उस जेट के डायमीटर को, लिक्विड के ड्रॉपलेट को वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही अगर ये दो फिनोमिना आएगा, वैसे ही सरफेस टेंशन क्या करेगा, एक तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और एक जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके सरफेस में एक टेंशन जैसा क्रिएट होगा। तो वो टेंशन क्या होगा, तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये ड्रॉपलेट ब्रस्ट हो गया, फट गया, जो बबल है वो फट गया। तो इसको ना हमेशा याद रखिए कि जब भी क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना होगा कि उसका क्या क्रॉस सेक्शन है, इसको यहाँ से कट कर लीजिए। तो मतलब ये जो ड्रॉपलेट होगा कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा जब वो फटेगा तो, और दूसरा उसका जो पोर्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है इसके सरफेस पे। तो मतलब मैं ये बोलूँ कि पी आई और पी नॉट का जो रिजल्टेंट हो रहा है मैं उसको डेल्टा पी से डिनोट करता हूँ, डेल्टा पी से डिनोट करता हूँ। अब वो किस पे लग रहा है, जो बबल जो फटेगा तो उसके ये पूरे सराउंड एरिया पे लगेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर पूरे सरकमफेरेंस पे लगेगा। मतलब ये जो पी है ये पूरे यहाँ पे लगेगा, पूरे ये जो रहेगा। लेकिन इसको रजिस्ट करने के लिए क्या आएगा, हमेशा सरफेस टेंशन आएगा। और सरफेस टेंशन कहाँ पे लगता है, जो फ्री सरफेस होता है, मतलब यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा। मतलब अगर मैं मान लो कि ये मेरा जो ऐसे बबल था, ये जेड था, फट गया। अब ये वाला सरफेस को देखो, तो यहाँ पे तो ये प्रेशर लग रहा है, ये पूरे यहाँ पे ये पूरे में। लेकिन ये जो सरफेस टेंशन वो कहाँ पे लगेगा, केवल इसके पेरीफेरी पे लगेगा। क्यों, क्योंकि वो पेरीफेरी पे ही लगता है। जैसे वहाँ पे क्या फ्री सरफेस पे लग रहा था, वैसे यहाँ पेरीफेरी पर लगेगा। तो जब ये पेरीफेरी पे यहाँ पे इस पे लगेगा, और मान लेते हैं कि वो वैल्यू सिग्मा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पेरीफेरी का क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि ये डेल्टा पी की वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे देखिए पाई पाई हमारा कैंसिल हो गया, एक डी से एक डी हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या मिलेगा, फोर सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। तो अगर हमें सरफेस टेंशन पता होगा तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेगा उस जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उसको फटने में या उसको ब्रस्ट होने में। क्लियर है, तो ये वाला जो है न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा कि सिग्मा की वैल्यू ये दिया हुआ है और लिक्विड की ड्रॉपलेट का डायमीटर डी दिया हुआ है, तो आप ये निकालो कि कितना मिनिमम प्रेशर रहेगा जिस पे वो जो बबल है वो फट जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए लिक्विड ड्रॉपलेट है, इंटरनल में प्रेशर उसका पी आई है, सराउंडिंग में प्रेशर जो एटमोसफेयर प्रेशर लगा रहा है वो पी नॉट है। पी आई और पी नॉट दोनों का डायरेक्शन अलग है। जो पी आई है वो जेट के डायमीटर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो सराउंडिंग में जो एयर है उस जेट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण क्या आ रहा है, एक प्रेशर डिफरेंस आ रहा है जिसको मैंने डेल्टा पी से डिनोट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज अ प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा पी इज अ प्रेशर डिफरेंस। डी क्या है, डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। तो हमने क्या डिस्कस किया कि अब ये जो प्रेशर पी आई और पी नॉट इस डायमीटर को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे, वही सिग्मा क्या करेगा, उसको जोड़े रखने की कोशिश करेगा। तो मान लेते हैं कि वो एक द रिजल्टेंट या एक द लास्ट लिमिटेड केस क्या होगा कि जेट हमारा जो होता है मान लो, या ड्रॉपलेट जो होता है वो फट जाता है। तो फट जाता है तो अब देखिए जे अभी ये कुछ इस तरीके से था, सर्कुलर आप एज्यूम कर लीजिए। अब ये फट जाएगा, तो फट जाएगा तो प्रेशर क्या लग रहा है, इसके ये पूरे एरिया में लग रहा है। और ये पूरे एरिया क्या हो गया, मतलब सर्कल का एरिया हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और डेल्टा पी लग रहा है।
अब हमेशा याद रखिएगा कि जो सिग्मा होता है, जो सरफेस टेंशन होता है, इसके पेरीफेरी पे लगता है। तो पेरीफेरी कितना होता है सर्कल का? पाई डी होता है। तो सिग्मा इंटू पाई बी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 सिग्मा बाई डी। तो ये हमारा क्या हो गया? सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। इसी से जुड़ा हुआ एक और होता है सरफेस टेंशन ऑन, इसको मैं आप लोग पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल, या जो सोप होता है, जब सोप को हम पानी में डालते हैं तो एक बबल की जैसा आता है, तो उसके ऊपर सरफेस टेंशन कितना आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सरफेस टेंशन ऑन, इसको सोप बबल भी कहा जाता है, ब्लैक सोप बबल या होलो बबल भी बोला जाता है। होलो बबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या रहता है, आपको दो फ्री सरफेस मिलेंगे, एक एक ऊपर में रहता है और एक अंदर में भी रहता है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम यही फटेगा। यहाँ पे इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये एक हमारा आएगा, पहला वाला लेयर आएगा, इसके बाद एक और यहाँ पे दूसरा वाला लेयर आएगा, क्लियर है? और सेम यही इंटरनल प्रेशर यहाँ पे लगेगा, एक को इंक्रीज करने के लिए और एक को डिक्रीज करने के लिए। ये हो जाएगा हमारा पी आई, इधर से लगेगा हमारा पी नॉट, क्लियर है? जब फटेगा तो यहां पे हमें दो लेयर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से हमें दो लेयर देखने को मिलेगा। अब देखिए जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसके सेम पेरीफेरी पर लग रहा है जैसे पहले लग रहा था, डेल्टा पी मतलब पी आई माइनस पी नॉट इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर। बस सिग्मा क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा एक यहाँ पे भी लगेगा हमारा और एक सिग्मा यहाँ पे भी लगेगा, मतलब कि टू टाइम्स हो गया, एक सिग्मा ये हो गया सिग्मा इंटू पाई डी और एक ये भी सिग्मा हो जाएगा। आप ये बोलोगे कि सर इसका तो डायमीटर मतलब इससे कंपेयर में कम है, लेकिन देखिए बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है, मतलब डायमीटर ऑलमोस्ट मेरे यहाँ दिखाने में ये कुछ इस तरीके से रहेगा, मतलब ये मानकर चलो कि बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, इसका रेडियस और इसका रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम उसको सेम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो सिग्मा रहेगा वो टू टाइम्स लग जाएगा, जब टू टाइम्स रह जाएगा तो ये डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा हो जाता है। तो बस यही डिफरेंस है हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉप बबल में। सॉप बबल में बस क्या हो जाएगा, दो फ्री सरफेस आ जाएगा उसको रजिस्ट करने के लिए, ठीक है? तो जिसके कारण डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, उसमें आया था 4 सिग्मा बाई डी और इसमें हमारा आ जाएगा 8 सिग्मा बाई डी। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और है उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड जेट। अभी लिक्विड ड्रॉपलेट हमने डिस्कस किया, देन सॉप बबल के बारे में डिस्कस किया, अब हम लिक्विड जेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लिक्विड जेट होता है, ये भी हो सकता है कि ये आपके कोर्स में ना हो, लेकिन है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जनरली बीटेक में इसको पढ़ाया जाता है लिक्विड जेट से रिलेटेड। तो देखिए हमने ये कंसिडर किया कि ये जो लिक्विड जेट है इसका शेप कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल हो गया। तो जब अब देखिए इसमें क्या रहा, इसके अंदर इंटरनल प्रेशर सेम पी आई, बाहर का प्रेशर पी नॉट, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये जो जेट है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारा डेल्टा पी कहाँ पे लगेगा, इस वाले पूरा पोर्शन पे लगेगा, ये वाले एरिया पे लगेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ डेल्टा पी इंटू, अगर मान लीजिए इसका हमने लेंथ लिया है जेट का एल और डायमीटर डी है, क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, एल। तो ये होल एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा पी एल इंटू डी हो जाएगा। अब इसको रजिस्ट कौन करेगा, ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा, दूसरा यहाँ पे ये फ्री सरफेस है इस पर हमारा लगेगा। तो मतलब क्या, सिग्मा इंटू कितना, एक एल ये और दूसरा एल एल, तो 2L। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा पी क्या निकल जाएगा, एल एल कट जाएगा,
टू सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, अगर आप बस इसको याद रख लीजिए क्या आया रिलेशन। अगर हम लिक्विड जेट का बात करेंगे तो डेल्टा पी और सिग्मा में क्या रिलेशन हो रहा है, टू, यहाँ पे टू आ जा रहा है। अगर यही लिक्विड ड्रॉपलेट हो जा रहा है तो फोर सिग्मा हो जा रहा है, और अगर वही सॉप बबल आ रहा था क्योंकि वहाँ पे दो सरफेस आ रहा था तो एट सिग्मा बाई डी आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सरफेस टेंशन के बारे में। अब हम कैपिलारिटी डिस्कस करेंगे।